ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज में झूठ की अमर बेल खूब फल फूल रही है, सत्य पर्दे के पीछे छिपा दिखाई दे रहा है। वहीं विकासवाद का थोथा नारा देकर सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है। सच तो यह है कि समाजवादी सरकार के समय हुए काम ही दिख रहे हैं और उन पर भाजपा की बस छाप लगाई जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना की लहर में उत्तर प्रदेश में हर तरफ तबाही मची हुई थी। उस समय भाजपा सरकार गूंगी बहरी बनी हुई थी। वहीं भाजपा सरकार वैक्सीन को कोरोना का रक्षा कवच बताती रही है, लेकिन हालात ये है कि प्रदेश में टीकाकरण के तमाम केंद्र बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री की कार्यनिष्ठा की यह मिसाल है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के अलावा डायल 100 जो अब 112 कर दी गई है। इन सभी सेवाओं को समाजवादी सरकार ने शुरू किया था, आज इनकी दशा खराब है। वहीं बलिया दौरे के बाद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव पहुंचे। राम गोविंद चौधरी पीड़ित परिवार से मिले और उनका दुख दर्द भी साझा किया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने 45 साल के राजनीति जीवन में पुलिस की इतनी बर्बरता पहले कभी नहीं देखी है। तो आजमगढ़ से आपको यह खबर बता रहे, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई और साथ में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने पुलिस की इतनी बर्बरता पहले कभी नहीं देखी है। वहीं बुलंदशहर में पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति के सभी शिक्षकों ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वेलफेयर समिति के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण एक वर्ष से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से अध्यापकों और बच्चों के सामने परेशानियां आ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति से कमजोर अभिभावकों को सबसे ज्यादा परेशानी है। 95% अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है। अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करवाने में वो असमर्थ है। साथ ही उनका कहना है कि कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए स्कूलों के संचालन की अनुमति भी प्रदान की जाए। वहीं जालौन में वैक्सीन न होने पर ग्रामीणों और छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हंगामा करने वाले लोगों का कहना है कि वो काफी दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है। इसके बाद वैक्सीन ना होने की जानकारी मिलते ही छात्रों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया है। तो खबर जालौन से आपको बता रहा, जहां पर हंगामे की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और वो लगातार मामले को शांत करवाने का प्रयास कर रही थी। आपको एक बार फिर से बता दें कि जालौन में वैक्सीन ना होने पर ग्रामीणों और छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हंगामा करने वाले लोगों को लगातार ही उनका ये कहना है कि वो काफी दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें वैक्सीन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही। इसके बाद वैक्सीन ना होने की जानकारी मिलते ही छात्रों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के पीआरओ को फोन के जरिए व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है, जिसमें पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए समेत आर्मी चीफ को जान से मारने की धमकी दी गई। जिस मोबाइल से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं वह पाकिस्तान का नंबर है। मंत्री के पीआरओ व पूर्व बीजेपी महामंत्री कानपुर नगर राकेश तिवारी ने बताया है कि व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया है और उस मैसेज से कई लोगों को टारगेट में रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं पीआरओ राकेश तिवारी ने पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले की शिकायत भी की है और पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच एटीएस को सौंपी है। तो कानपुर से आपको यह खबर बता रहे, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के पीआरओ को फोन के जरिए व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इसमें पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए समेत आर्मी चीफ को जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही जिस मोबाइल से ये धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं वो पाकिस्तान का नंबर है।
मंत्री के पीआरओ व पूर्व बीजेपी महामंत्री कानपुर नगर राकेश तिवारी ने बताया है कि व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज आए हैं और उस मैसेज में कई लोगों को टारगेट भी किया गया है। साथ ही पीआरओ राकेश तिवारी ने पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले की शिकायत भी की है और पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच एटीएस को सौंप दी है। कानपुर देहात में मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मंडल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयुक्त महोदय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति में सुधार लाए और शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। वहीं कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आने से पहले सभी जनपद आगे की प्लानिंग कर ले, इसी पर चर्चा भी की गई है। तो कानपुर देहात से एक खबर बता रहा है जहां पर मंडलायुक्त की अधिकारियों के साथ बैठक की गई और इस बैठक में कई तरह के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में आयुक्त महोदय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की प्रगति में सुधार लाया जाए और साथ ही साथ शासन के शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। वहीं कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आने से पहले सभी जनपद आगे की प्लानिंग पूरी तरीके से कर ले जिससे कि तीसरी लहर से बचा जा सके। वहीं प्रदेश में एक तरफ मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में महिला थाना पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब महिलाएं महिला थाना में ही सुरक्षित नहीं है। थाने में कहासुनी के बाद पति पत्नी में जमकर मारपीट होती है और इस दौरान थाना अध्यक्ष मूक दर्शक बने खड़े रहते हैं। इसके बाद विवाद को बढ़ता हुआ देखकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव भी किया। वहीं कानपुर में कल्याणपुर इलाके में करंट लगने से सफाईकर्मी की मौत हो गई। आपको बता दें कि कल्याणपुर पनकी रोड पर बने रेस्टोरेंट के बाहर जाली पर करंट लगाया गया था और इसी जाली में चिपक कर सफाईकर्मी की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने रेस्टोरेंट के बाहर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया और बाद में हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। वहीं गोरखनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, एसएसपी के द्वारा अपराधी लुटेरों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में गोरखनाथ और क्राइम ब्रांच पुलिस के संयुक्त प्रयास से 9 अंतर जनपदीय लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। इन लुटेरों ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 2 जुलाई को लूट की घटना को अंजाम दिया था। पहली घटना गोरखनाथ क्षेत्र के विस्तार नगर में एक महिला के साथ चैन लूट हुई थी और वहीं दूसरी घटना की बात करें तो उसी दिन सुमेर सागर में एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए दिन में करीब 1 बजे लूटे गए थे, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ ने इन लुटेरों के पूरे गैंग को पकड़ने के लिए तेज तर्रार टीमों का गठन किया और एक एक गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, जिसके बाद करीब 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटी हुई 2 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा और 1 जिंदा कारतूस, 11,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। साथ ही हमला करने वाले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। अंतर्राज्यीय गैंग है ये, चेस मैचिंग, कप्पेबाजी, लूट आदि घटनाएं कार्यरत करते थे ये लोग और ये अलग अलग राज्यों के हैं। जिले में इन्होंने 4 घटनाएं इन्होंने की हैं, जिसमें से 3 घटनाएं गोरखनाथ की हैं और 1 घटना पीपीगंज की है। महिला भी गैंग का एक अभिन्न अंग है और ये बिहार के रहने वाली है। रुक करते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के तहसील इगलास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र इगलास में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मी ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन इगलास अधीक्षक को सौंपा है, जिसमें संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन में भाग लेने व संगठन के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य बहिष्कार पर जानकारी दी है। वहीं ज्ञापन इगलास स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक कुलदीप रायपुरी को देते हुए संविदा कर्मचारियों ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी अवगत कराया है। वहीं सुल्तानपुर में पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़ा गया बदमाश ट्रक ड्राइवर से 20,000 की लूट समेत सहित कई मामलों में वंचित चल रहा था। पुलिस ने लुटेरे के पास से अवैध तमंचा,
जिंदा कारतूस, लूटी गई टीवी, बाइक सहित लूट के 2000 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल शातिर लुटेरों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ये 27 मई को यहाँ कोतवाली नगर के दीप नगर मोहल्ले में एक अध्यापक के घर में घुसकर तमंचे के नोक पर, अध्यापक का नाम दिलीप पांडे और उनकी पत्नी का नाम संध्या पांडे था, एक अभियुक्त ने उनके घर में घुसकर तमंचे की नोक पर उनके घर की मोटरसाइकिल, उनके घर का टीवी और पत्नी के गहने ये चोरी किए और उसके बाद से उन्हीं की मोटरसाइकिल पर बैठकर सारे सामान को लादकर चला गया था। इस घटना में संलिप्त एक अभियुक्त जिसका नाम समीर खान उर्फ हातिम पुत्र सईद खान निवासी 23 ईडन हॉस्पिटल रोड हावड़ा पश्चिम बंगाल तथा हाल पता बहादुरपुर थाना कोतवाली नगर है। वहीं सीतापुर में रला मऊ बैंक से पैसे निकाल कर जा रहे एक व्यक्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया, उसके बाद रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को पूरे घटना की सूचना दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी मिश्रिक के नेतृत्व में फौरन कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रामगढ़ मोड के पास से पुलिस ने घटना में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक बालकचारी और एक अभियुक्त पवन है, क्योंकि पूरा 1,62,000 रुपए की का जो लूट हुई थी उसमें जो इनके हिस्से पैसा आया था उसमें से लगभग 1,11,400 रुपए पूरे के पूरे बरामद हो गए। तो पूरा पैसा तीन पार्ट में बांटा गया था, एक तिहाई पैसा पवन ने लिया था, एक तिहाई पैसा बालकचारी के पास था है था और एक तिहाई मनीष लेके चला गया था। तो दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उनके पास से 1,11,400 रुपये इसमें बरामद हो चुके हैं और जो गाड़ी जिससे लूट हुई थी जिसमें कुछ निशान भी थे लाल रंग की, वो गाड़ी बरामद हो गई और उसी गाड़ी के बगल के बैग से, कैरी बैग से एक नंबर प्लेट बरामद हुआ जिस जो लगा के लोगों ने लूट किया था। ये सभी लोग नंबर प्लेट बार बार चेक करते थे और उससे लूट करके गाड़ी में नंबर प्लेट पर लगा लेते थे सभी लोग। हमारी टीम इसमें लगी हुई है, मनीष अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। शेष जो पैसा करीब 50,000 रुपये बचा। वहीं हमीरपुर में इन दोनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। राठ कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक घर में हाथ साफ कर लिया। तकरीबन 15 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। वहीं एक फौजी के घर से सूटकेस में रखी रिवॉल्वर और 10 कारतूस लेकर भी चोर फरार हो गए। लोगों का कहना है कि जनपद में चोर और लुटेरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है। आए दिन लूट और चोरी की घटनाएं होती हैं और अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं गोरखपुर में छात्रावास की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक गेट के सामने धरने पर बैठ के और लगातार प्रदर्शन करते रहे। साथ ही छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। छात्र नेता नितेश मिश्रा का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इस महीने के 15 और 16 तारीख को छात्रावास के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास शुरू होने के बाद भी अभी तक छात्रों को छात्रावास मुहैया नहीं हो पाया है। ऐसे में बगैर लिखित आश्वासन के हम लोग अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारा मामला ये है कि एक हफ्ता पहले छात्रावास के मुद्दा को लेकर हम लोग कुलपति जी से मुलाकात किए थे। कुलपति जी ने आश्वासन दिया था कि 15 से लेकर 16 के बीच में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और अभी तक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ और यहाँ परीक्षा का जो डेट है निर्धारित हो गया है। हमारे टाइम टेबल आ गए हैं, लेकिन छात्र जो दूर दरार के छात्र हैं, जो ग्रामीण के छात्र हैं, वो लोग अपना ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए कि पेपर का दिन नजदीक है और अभी छात्रावास खुला नहीं है। वहीं रेलवे स्टेशन पर अब नई व्यवस्था को लागू किया गया है और अब ट्रेन से जुड़ी तमाम जानकारियां एक निजी कर्मचारियों की टीम लोगों को देगी। इस नई व्यवस्था के तहत ट्रेन कब आएगी, कितनी देर से निकलेगी, ये जानकारियां इसी एजेंसी के कर्मचारी लोगों तक पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन का पूछताछ केंद्र पर 4 कर्मचारियों को नियुक्त भी किया गया है। इन कर्मचारियों को 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे यात्रियों को 24 घंटे पूछताछ की सुविधा मिल सकेगी। बहरहाल रेलवे के इस पहल से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। यात्री फोन पर वेटिंग ना करते हुए सीधे जानकारी पूछताछ केंद्र से ले सकेंगे। रेलवे में कर्मचारियों की कमी कहें या यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, बता दें कि प्राइवेट एजेंसियों को 3 साल का ठेका दिया गया है।
तो फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम।